दोस्तों पार्ट टाइम मनी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए पार्ट टाइम मनी को और बेल आइकन को प्रेस करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पार्ट टाइम मनी में। फ्रेंड्स, आज मैं जेपे के बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हम सबको पता है जेपे इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है जिसने बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, और शायद जेपे के ही कारण से हम सब आज बिटकॉइन के बारे में जानते हैं और बिटकॉइन की ट्रेडिंग इंडिया में कर पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज एक बड़ी दुख की खबर है जो कि जेपे की तरफ से आई है। फ्रेंड्स, जेपे ऑलरेडी पहले ही बैंक में विड्रॉल और डिपॉजिट बंद कर चुका है, लेकिन वो पीयर टू पीयर चल रही थी। लेकिन आज जेपे ने अनाउंस किया है कि वो अब इस पीयर टू पीयर को भी बंद करने वाले हैं और वो पूरी तरीके से जेपे को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारा कुछ मेंशन है। उन्होंने आज ट्वीट किया है कि वो आज 4 बजे 28 तारीख को 4 बजे तक ही जेप पे काम करेगा, उसके बाद जेप पे काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब एक बार इनका पूरा आर्टिकल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि 28 तारीख को 4 बजे तक जेप पे काम करेगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, और फ्रेंड्स जितने भी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं वो सब अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, और फ्रेंड्स जो भी आपके टोकन से कॉइन है वो आपके जेपे वॉलेट में वापस चले जाएंगे और कोई भी नया ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कॉइन्स की डिपॉजिट और विड्रॉल बंद होने के बाद भी जेपे का वॉलेट काम करता रहेगा, जिसमें आपके सारे कॉइन पड़ी रहेंगी। बाकी फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स फर्दर वो आगे और देंगे क्या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये बड़े दुख की बात है कि जेपे ने अपना एक्सचेंज बंद कर दिया है, और अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। जेपे की तरफ से जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।